एसएसपी शलभ माथुर ने गोरखपुर जनपद के सभी नागरिकों को धनतेरस और प्रकाश पर्व दीप मालिका के अवसर पर अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोई भी त्यौहार बिना जन सहभागिता के संभव नहीं होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाएं। ऐसे पटाखों का चयन करें जिसकी ध्वनि तीव्रता 145 डेसिबल से अधिक ना हो। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, मार्केट, फैक्ट्री एरिया, हाईवे, रेल लाइन, हाई टेंशन वायर, रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पूजा स्थल एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित स्थल से 100 मीटर की परिधि से पटाखे ना जलाएं और अन्य लोगों को भी ऐसा ना करने के लिए प्रेरित करें। जहां पर आतिशबाजी की बिक्री हो रही हो वहां पर भी किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरण, बैटरी, तेल व लैंप और अन्य स्पार्क उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से ही करें। एसएसपी ने कहा कि आतिशबाजी की बिक्री वाली दुकानों से 50 मीटर दूरी तक किसी भी आतिशबाजी का प्रयोग ना किया जाए या घातक हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। पटाखे जलाते समय परिवार के सदस्य ढीले व सिंथेटिक कपड़े ना पहने और जलते हुए पटाखों में से एक सुरक्षित दूरी बनाएं। जहां पर छोटे बच्चे पटाखे जला रहे हों वहां पर उनके अभिभावक अवश्य मौजूद रहें और अपनी निगरानी में ही पटाखे जलवाएं। एसएसपी ने कहा कि यह त्यौहार हंसी खुशी का त्यौहार है। अति उत्साह एवं अतिरेक आपके लिए घातक हो सकता है। आपके जीवन हमारे पुलिस परिवार के लिए अमूल्य है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, मैं शलभ माथुर, एसएसपी गोरखपुर, सभी जनपद वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली का पर्व हम सबके जीवन में हर्षोल्लास लेके आए, नए रोशनी लेके आए। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कुछ सावधानियों के ऊपर जिनकी नितांत रूप से हम लोग को आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेशों की कंप्लाइंस हम लोग करें और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि पटाखा जो है फोड़ें उसका समय जो है निर्धारित है, तो प्रयास करें कि उस समय 8 से 10 के बीच में ही हम लोग अपने पटाखे जलाएं। साथ ही साथ जो हमारे अस्पताल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल है या फैक्ट्री एरिया है या हाई टेंशन वायर है, रोडवेज बस स्टैंड्स हैं, ये इनसे दूरी पे कम से कम कुछ दूरी के ऊपर हम लोग पटाखे जलाएं। जहाँ पर आतिशबाजी हो रही है वहाँ पे विद्युत उपकरण, बैटरी, तेल के लैंप या स्पार्क करने वाले अगर कोई भी सामान है तो उसका प्रयोग सावधानी से करें। जो आतिशबाजी की दुकानें हैं उनसे कम से कम एक दूरी के ऊपर पटाखे फोड़े जाएं। यदि आपको कहीं सूचना मिलती है कि आपके आसपास कहीं आतिशबाजी का निर्माण हो रहा है या अवैध भंडारण हो रहा है या इस तरह की बिक्री हो रही है जिससे जनहानि भी हो सकती है, तो आप गोपनीय रूप से इसकी जानकारी दे सकते हैं। आप 100 नंबर के ऊपर इसको फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसमें आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आतिशबाजी जो परिसर बने हुए हैं या जो आतिशबाजी की दुकानें जहाँ पे हैं वो पूरी तरह नो स्मोकिंग जोन है। वहाँ पे आप सिगरेट या ऐसी किसी चीज़ का प्रयोग ना करें। जब आप आतिशबाजी करें तो ढीले कपड़े या नायलॉन के सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ ना करें। जहाँ छोटे बच्चे पटाखे जला रहे हैं वहाँ विशेष रूप से अपने अभिभावकों की निगरानी के अंदर पटाखे जलाएँ। साथ ही साथ पानी की बाल्टी और ये सब अपने साथ हमेशा लगे। मैं पुनः आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये उत्साह का त्यौहार है और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।